बड़सर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत धंगोट्टा में 11 अगस्त को आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रम से पहले कृषि विभाग की ओर से ग्राम पंचायत बलबिहाल में जहां लोगों को विभिन्न प्रकार की विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई, वहीं गांव पेहड़वी में SMS बिजली ने पोली हाउसों तथा किसानों को विभाग की ओर से प्रदान किए गए कृषि उपकरणों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना तथा उनके समाधान के लिए उन्हें महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी तथा मेज क्लस्टर योजना के तहत किसानों की मक्की की फसल का भी निरीक्षण किया। गांव बल ब्राह्मणा में किसान अमर सिंह को विभाग की ओर से प्रदान किए गए कृषि उपकरण पावर बीडर का निरीक्षण कर विस्तार से उसके संचालन की जानकारी दी। तहसील कल्याण विभाग बिजली की ओर से DRA विधवा पेंशन 60 वर्ष तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित 61 लोगों के कागजातों की जाँच पूरी की। इस दौरान लोगों को विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया। उल्लेखनीय है कि 11 अगस्त को बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शहीद दीपचंद राणा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धंगोट्टा के प्रांगण में प्रातः 10 बजे से जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। इस अवसर पर वह लोगों की समस्याएं सुनेंगे तथा जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के माध्यम से अधिक जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करेंगे। PI TV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।